पुलिस अधीक्षक छतरपुर द्वारा नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाने की मंशा से समस्त थाना प्रभारियों को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया है। इन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए ओरछा रोड थाना पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी पुष्पेंद्र यादव ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान उन्हें सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के ग्राम धामची में फोर लेन ओवर ब्रिज के पास एक खेत में अवैध शराब छिपा कर रखी गई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने उक्त स्थान पर दबिश दी। पुलिस को देखकर मौके पर मौजूद व्यक्ति भागने लगा, जिसे पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ लिया। खेत की तलाशी लेने पर पुलिस को 7 पेटी अवैध शराब मिली, जिसे जब्त किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि उक्त 7 पेटियों में कुल 56 लीटर अवैध शराब थी, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 25,000 रुपए है। पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम मूलचंद्र यादव निवासी धामची बताया है, जिसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। कल देर रात को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि धामची ब्रिज के पास में यहां पे दारू रखी हुई है, तो पुलिस सूचना पर से वहां पहुंची तो एक व्यक्ति जो है मिला, जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश किया, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। तो आरोपी के पास से लगभग 56 लीटर अवैध दारू पकड़ी गई थी, अवैध शराब पकड़ी गई, जो आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया गया है। दारू लगभग 25,000 की कीमत है और लगभग 7 पेटी के आसपास पकड़ी गई है।